एक्सपेक्टेशंस क्या है कि मिडिल क्लास के लिए, अपर मिडिल क्लास के लिए कुछ सोचे, क्योंकि हम लोग ये होते हैं जो 30% टैक्स पे कर रहे होते हैं। हम 3-4 साल से यही सुन रहे हैं कि अपने सैलरीड क्लास को कुछ देंगे देंगे, आज तो 4 साल से कुछ भी नहीं दिए। टैक्स लाभ में थोड़ा छूट मिले। आई होप दैट द नॉर्मल गुड्स प्राइसेस आर रिड्यूस्ड एंड लग्जरियस गुड्स लेट इट बी द सेम। सुनिए निर्मला जी, द इन्फ्लेशन व्हिच इज राइज ऑफ प्राइस that be controlled a little bit, especially prices of petrol, prices of vegetables, prices of food grains. So that will have an impact on everything, on everybody's life. You know, the distinction between pricing of luxurious goods and normal goods are concerned. I hope that the normal goods prices are reduced and luxurious goods let it be the same. So that's what my expectation is, but that has not happened in the past few budgets. So that's a little bit of a difficulty which we are facing with the past 3 budgets which we are having. मतलब सीतारमन जी को मैं कहना चाहूँगा, बजट का तो मैं इतना टेक्निकल नहीं बता पाऊँगा, वो अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर है, वो अच्छा सोचती हैं, बट बिजनेस परस्पेक्टिव से मैं बताना चाहूँगा, अगर GST का रेट कम हो जाए, कहने का मतलब पेपर बोर्ड पे अभी 12% और 18% GST चल रहा है, इस करके बिल्स बहुत कम बनते हैं, कहने का मतलब जो ऑन पेपर बिजनेस होता है और कहने में बिजनेस में बहुत बिल्स कम बनते हैं, अगर रेट ऑफ GST कम हो जाए तो हिंदुस्तान में इतने बिल बनने लगेंगे और इतना टैक्स कलेक्ट होगा कि इसके कोई सीमा नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, टैक्स रेट कम कर दें, 1% या 0.5% या 2% अगर टैक्स रेट कर दें तो पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं होगा जिस पे कोई टैक्स देने में कतराएगा, कोई ऐसा कंज्यूमर नहीं होगा जो टैक्स देने में कतराएगा। द मोमेंट यू कम इनटू कैटेगरी वेयर यू स्टार्ट पेइंग द इनकम टैक्स, यू रियलाइज दैट हाफ ऑफ योर मनी जस्ट गोज टू पेइंग इन इनकम टैक्स, व्हिच इज बिजार्ड, एंड वेयर यू सी देयर इज अ लॉट ऑफ अ बिगर शिफ्ट कंपेयर टू यू नो व्हाट कैपिटलिस्ट सोसाइटी पे एंड टू व्हाट यू नो द जनरेशन हु एक्चुअली the working generation, which is the middle class people, they are paying, which is a huge shift. So I think that is something where if they could bridge or make them feel that, you know what, you're already paying tax towards every goods and services you utilize in this country, so somewhere there is a bridge and we feel that, you know, okay, there is something done for us and we are not always people paying tax and not getting any facility in return. ye jo 3.5 saal gaya corona ki wajah se bahut zyada effect hua hai, जैसे बाहर का कस्टमर आना कम हो गया। अच्छा, ऑनलाइन से बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है, आइटमों से ऑनलाइन जैसे परचेज कर रहे हैं हम ही क्यों ना हो, उससे जो बेचारे गली के दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनको बहुत इफ़ेक्ट पड़ा। बीइंग ए सैलरीड पीपल, हम 3-4 साल से यही सुन रहे हैं कि अपने सैलरीड क्लास को कुछ देंगे देंगे, रिबेट देंगे, कुछ देंगे, बट आज तो 4 साल से कुछ भी नहीं दिए। बजट आता है तो लगता है कुछ भी नहीं हो रहा है, वही सेम है। तो मेरा ये ख्वाहिश है कि इस बार अपने सैलरीड पीपल के जो स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया है उसमें कुछ ज़्यादा छूट दिया जाए, टैक्स लाभ में थोड़ा छूट मिले। जैसे अभी 5 लाख तक, अभी 2.5 लाख तक की लिमिट है, 2.5 लाख के ऊपर 5 लाख तक का कुछ लिमिट फिक्स किया जाए, जैसे 0 हो जाए, उसके बाद उसमें वो TDS जो कटना चाहिए वो अप्लीकेबल TDS वो लगे 5 लाख के बाद। एक्सपेक्टेशंस क्या है कि मिडिल क्लास के लिए, अपर मिडिल क्लास के लिए कुछ सोचे, क्योंकि हम लोग ये होते हैं जो 30% टैक्स पे कर रहे होते हैं और हम टैक्स कहीं से भी बच नहीं सकते, और हमें कुछ उसके बाद में कोई किसी तरीके का कोई हेल्प नहीं मिलता। और दूसरा क्या है, वो इकोनॉमी जिस तरह से चल रही है हम लोगों की, वो तो मजाक ही बना रहे हैं।